वंशी शोभित कर मधुर नील जलद दंशा अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय श्री कृष्ण। श्री छोटा गोपाल मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में स्थित है श्री छोटा गोपाल मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर गारव नामक गांव में स्थित है। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की राजधानी जयपुर है। राजस्थान राजा रजवाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। राठौर जाति के एक बहादुर राजपूत सरदार बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की आधारशिला रखी। राजस्थान अपनी वीरता और शौर्य की संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शानदार महलों, मजबूत किलों और विशाल हवेलियों के रूप में विद्यमान यहाँ की स्थापत्य कला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये राज्य अपनी धार्मिक आस्था हेतु भी प्रसिद्ध है। प्राचीन श्री छोटा गोपाल मंदिर इसका प्रमाण देता है, जहां श्री कृष्ण के गोपाल रूप की उपासना की जाती है। बीकानेर क्षेत्र में स्थित श्री छोटा गोपाल मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। ये मंदिर एक छोटी हवेली में स्थित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को रंगीन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इन मनभावन चित्रों के दर्शन करते ही मन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के रहस्य लोक में खो सा जाता है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इतनी बार मोए दूध पीवत भई, इतनी बार मोए दूध पीवत भई। यह अजहू है छोटी मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मंदिर के बाहर ऊपर की ओर की दीवार को कृष्ण कन्हैया के बाल गोपाल रूप से सजाया गया है। गाय के साथ बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दर्शाया गया है। मंदिर में अलौकिक शांति का वास है। पुराणों में कहा गया है कि अखिल ब्रह्मांड के नायक और समस्त प्राणियों के हृदय में नियंता के रूप में निवास करने वाले भगवान परम सत्य हैं। उनसे परे कोई भी नहीं है। वे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं निराकार ब्रह्म का एक सगुण रूप माने जाते हैं।
श्री छोटा गोपाल मंदिर में दर्शाए गए उनकी विविध लीलाओं के सुंदर चित्रण के दर्शन करने मात्र से मन प्रसन्न हो उठता है। बीकानेर क्षेत्र में स्थित श्री छोटा गोपाल मंदिर को श्री मुरली मनोहर जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि श्री छोटा गोपाल मंदिर की स्थापना सन 1618 में की गई। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मुरलीधर श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी की धातु की मूरत विराजमान है। यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण और वृषभान दुलारी राधा रानी का आंखों को लुभाने वाला श्रृंगार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट और हाथ में मुरली शोभायमान हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख जड़ा हुआ है। राधा रानी को आकर्षक आभूषण पहनाए गए हैं। राधा जी और कृष्ण जी को रंग बिरंगे वस्त्रों से पारंपरिक ढंग से सजाया गया है, जिन पर सुंदर और बारीक कसीदाकारी की गई है। मंदिर में विराजमान कृष्ण जी और राधा जी की चित्ताकर्षक छवि भक्तों को बांध लेती है। श्री छोटा गोपाल मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्त विराजमान है। श्री कृष्ण जी गौ को मां मानते थे और उन्होंने ही लोगों को गाय की पूजा करने का निर्देश दिया था। इसी कारण उन्हें गोपाल कहकर भी पुकारा जाता है। भजनीय सुर मुनि दुर्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल 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 गोपाल। भगवान श्री कृष्ण कदंब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर धेनु का टेका लेकर बांसुरी बजाया करते थे। ग्वालों में बैठकर उनकी अगुवाई किया करते थे। उनकी सभी लीलाओं का यहाँ विधिवत चित्रण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई पार नहीं है। वे इतनी विविध और निराली हैं कि उनका संपूर्ण वर्णन शब्दों या चित्रों में कर पाना असंभव है। भगवान की लीला से जुड़ी उसी काल की एक और कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त किशन दास जी ने एक साहूकार से कुछ धनराशि उधार ली थी, जिसे उन्हें दिवाली से एक दिन पूर्व लौटाना था, पर किसी कारणवश वो साहूकार को धनराशि वापस न कर सके। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त किशन दास का रूप धारण कर साहूकार को वो कर्ज चुका दिया। भगवान वास्तव में भक्त वत्सल हैं। वे कब किस रूप में अपने भक्तों पर दया कर दें, ये कोई नहीं जानता।
पुराणों में श्री कृष्ण और राधा जी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अवतार बताया जाता है। वैष्णव पंथ की पुष्टि मार्गी शाखा में भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव में पूजा की जाती है। कृष्ण जी और राधा जी का संबंध इसी सखा भाव पर आधारित माना जाता है। वे निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम के प्रतीक हैं। उनका प्रेम वासना मुक्त है। वे दो होकर भी एक हैं। वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। राधा जी और कृष्ण जी के परस्पर संबंध से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम का अर्थ समर्पण और त्याग होता है, ना कि अधिकार जताने या पाने की इच्छा। राधे माता प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और श्रीधर गोपाल उनके प्रेम में वशीभूत। उस निस्वार्थ प्रेम को मान देने के लिए ही श्री कृष्ण ने स्वयं के नाम से पहले राधा का नाम लिए जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि वन में देह छोड़ते हुए भी बांके बिहारी श्री कृष्ण ने राधा रानी को ही पुकारा था। राधे 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 तू है अपरंपार, राधे 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 तू है अपरंपार, तू है अपरंपार, तू है अपरंपार, राधे 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 तू है अपरंपार, राधे 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 तू है अपरंपार। मंदिर में राधा कृष्ण की मनमोहनी मूर्ति और उनकी सुंदर साज सज्जा को केवल निहारते रहने में ही सर्वस्व सुख की अनुभूति होती है। यहाँ के पुजारी दिन रात श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं। इस मंदिर का प्रांगण एवं परिसर अत्यंत शांतमय एवं हरा भरा है। श्री हरि नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी ने सनातन धर्म को और भी गौरवशाली बना दिया। प्रभु के गीता उपदेश और उनकी जीवन लीला से हम सामान्य मनुष्य बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी हर समस्या से उबरने का उपाय ढूंढ सकते हैं। श्री छोटा गोपाल मंदिर में आकर हम सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा एवं धार्मिक सुख का आनंद ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री छोटा गोपाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।